हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ इस तरह से कि अभी 12 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ आज घर से बाहर और मैं रेडी हो गई हूँ सूट पहन के और साक्षी भी इधर रेडी बैठी हैं और दिव्यांश भी रेडी हो गया है। मैं अम्मा जी इधर बैठी हैं, दीदी इधर बैठी हैं और मैंने बैग भी पैक कर लिया है इधर, इसमें खाना वगैरह सब कुछ रख लिया है, कपड़े वपड़े सब पैक कर लिए हैं मैंने। और अभी देवर जी का वेट कर रहे हैं, वो आने में ही हो रहे होंगे 10-5 मिनट में। जैसे ही आएंगे तो घर से निकलेंगे, निकलने के बाद दिखाती हूँ आपको क्या सीन है। ठीक है, बढ़िया तरह से जाऊंगी, टेंशन नहीं, सावधानी से जाऊंगी, बढ़िया तरह से। ठीक है ठीक है। तो इधर बड़ी मम्मी भी आ चुकी हैं और तुम छोड़ के जा रहा है। तो जाते टाइम मैं लग रही हूँ बड़ी मम्मी के पैर। तो ये हैं बड़ी मम्मी, यानी कि ये जो हमारे देवर जी हैं इनकी मम्मी, और ये हैं हमारी सासू माँ। दोनों ही सासू माँ है, ऐसा नहीं है कि ये सासू माँ नहीं है वो सासू माँ नहीं है, दोनों ही, ये छोटी और बड़ी सासू माँ दोनों हैं। तो मुरसंद से हमें मिल गई ट्रेन और दिव्यांश आते ही ट्रेन में जैसे ही एंट्री की है और सो गया है बच्चा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच रही हूँ कासगंज के स्टेशन पर और हमें यहाँ पर ट्रेन रुकेगी कम से कम 2 से 2.5 घंटे और हम दूसरी ट्रेन चेंज करेंगे। तो अभी दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। अभी बैठ कर हम खाना भी खाएंगे वहाँ पर, या तो ट्रेन में खाएंगे या फिर बाहर स्टेशन पर बैठ कर खाना खाएंगे। ठीक हो, क्यों नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे, तुम गंदे बच्चे हो रहे हो बहुत। दे दो, ओए नहीं देनी। ठीक है, मैंने नमकीन दे दी दीदी को तुम्हारी, देखो दीदी नमकीन खा रही है, देखो तुम खा लो। अच्छा, तो फाइनली मैं और साक्षी बैठे हैं यहाँ पर फुटपाथ पर, यानी स्टेशन पर, कासगंज के स्टेशन पर। तो अभी 3:30 बज चुके हैं और 5:30 बजे निकलेंगे। अभी यहाँ पर बैठकर हम आराम कर रहे हैं, खाना पीना हमने खा लिया है। तो साक्षी यहाँ पर खाने लग गई है नमकीन, दिव्यांश खा रहा है इधर चिप्स। 5:30 बजे निकलेंगे, तब तक हम यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स, ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन तो लग चुकी है, लेकिन अभी लग तो गई है लेकिन जाने में इसको टाइम है, 5:30 बजे चलेगी ये। कन्नू कन्नू, कौन सी वाली गोली लेनी है? ओ भैया, ओ हेलो भैया, देने दो, दोनों कलर की दे दो, एक एक देना, एक एक। लो सोनी, दीदी को दे दो एक, एक तुम खा लो। साक्षी ले लो, ये तुम खा लो। क्या लिया है? क्या लिया है? ये ऑरेंज वाली टॉफी। फाइनली फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम इज्जत नगर और ट्रेवल करते करते हमें 9 बज गए हैं। तो अभी बस 10 मिनट का रास्ता है घर जाने का। तो ये है इज्जत नगर का स्टेशन। साक्षी को दिखाऊं, साक्षी जा रही है मेरे से आगे बैग लेके। तो ये है साक्षी और दिव्यांश, और दिव्यांश के पापा वो जा रहे और साक्षी ये जा रही। तो पूरा दिन हो गया, मतलब सुबह के निकले हैं घर से और रात के 9 बज गए हैं। तो अभी तो कम से कम 10-15 मिनट लगेंगी घर पहुंचने में। पूरा दिन हो गया, परेशान बहुत हो गए हैं आज, बच्चा भी बहुत परेशान है, दिव्यांश भी, और हम भी बहुत परेशान हो गए, पूरे दिन हो गया ना आज ट्रेवल करते करते। तो फाइनली फ्रेंड्स, पहुंच चुकी हूँ मैं घर पर, 9:30 बज चुकी हैं। कोई भी प्लान नहीं था यहाँ आने का, इन्होंने झटपट से बोल दिया सुबह मॉर्निंग में कि आ जाओ खाने पीने की, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी जाते हैं, फिर दोपहर बाद आते हैं और तो परेशान होकर, जेंट्स लोग कोई भी हो ड्यूटी पे जाएँ और फिर और आके खाना पीना बनाएं, तो किसी पर नहीं होता इतना सारा काम। तो जो लेडीज हैं जो घर का काम करती हैं, जेंट्स लोगों पर नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने झटपट से सुबह मॉर्निंग में पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद खाना तो मैं घर से ही बना के लेके आई थी, पूरियाँ लेके आई थी अचार के साथ, चाय ले आई थी थोड़ी सी बना के, बोतल मेरा भर के, और फिर हमने चाय और पूरी और अचार के साथ खा ली वहाँ रास्ते में। तो अब यहाँ आकर सबने कपड़े चेंज करके मुँह धो के शेक बना लिया था आम का, तो आम का शेक पी लिया सभी ने, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में खाया था। तो भैया फाइनली फ्रेंड्स, आज सब लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें।